दर्शकों, मैं भावना बिष्ट और आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज। हम सभी को पता है कि 2024 के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। तो आपको बता दें कि आज हम गुरुग्राम में शिव वाटिका में मौजूद है, जहां पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं यहां पर काफी तादाद में लोग शामिल हुए हैं, काफी तादाद में पन्ना प्रमुख मौजूद है। तो इस कार्यक्रम में क्या क्या खास हुआ है और क्या क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम के लिए किया है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं कार्यक्रम की ओर। हरियाणा में 2024 के चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत गुरुग्राम में शिव वाटिका में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, गुरुग्राम के MLA सुधीर कुमार सिंगला, डॉक्टर सुधा यादव, फरिंदर शर्मा जी, दीपक मंगला जी के साथ और भी कई बीजेपी के प्रमुख नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में 4,500 लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक लोक नृत्य से की गई, जिसने वहां बैठे हर एक पन्ना प्रमुखों का मनोबल बढ़ाया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने अपने संबोधन में कहा, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है पन्ना प्रमुख। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगले 25 सालों में हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के अलावा गुरुग्राम के MLA सुधीर कुमार सिंगला ने पन्ना प्रमुखों की भूमिका के बारे में भी बात करी और उनका मनोबल बढ़ाया और बीजेपी के राज्य में हरियाणा में क्या क्या काम हुआ है, इन सभी के बारे में भी विस्तार से बात की है। आपने किया इतनी ज्यादा तादाद पन्ना प्रमुख के अंदर, इस हल्के के अंदर होगी, ये मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी मीटिंग इन्होंने करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर देश में भी और प्रदेश में भी बहुत बेहतरीन की संभावनाएं हैं। हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन चल रही है। भाई GM शर्मा जी ने पन्ना प्रमुखों के लिए क्या काम करने चाहिए उनको आप लोगों के बीच में बताया है। किसी भी दल की रीढ़ की हड्डी उसका कार्यकर्ता होता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव समर्पण भाव के साथ में काम करते आया है और बहुत समर्पित कार्यकर्ता है। इसलिए यहाँ आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सब लोगों का स्वागत है। लगभग 4,500 आदमी आए हैं हमारे इस कार्यक्रम के अंदर। पन्ना प्रमुख हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर एक बूथ के ऊपर 10 पेजों की वोटर लिस्ट है तो उनके अंदर वोटर लिस्ट के अंदर हर पन्ना जितना है उसके ऊपर जो है वो पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं और पन्ना प्रमुख के पास लगभग 60 वोटें होती हैं और 60 वोटों का वो एक तरीके से मालिक होता है। ऐसा हमारी प्रारूप बनाया हुआ हमारी पार्टी के अंदर। और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी आए, डॉक्टर सुधा यादव जी आए और हमारे जो हैं फरिंदर शर्मा जी आए वो, और संगठन मंत्री हैं दीपक मंगला जी आए हमारे यहाँ, और गार्गी मुखर्जी भी हमारे थे, राव नरवीर सिंह भी थे मंत्री, और GL शर्मा जी भी यहाँ पे थे, और सारे कार्यकर्ता जो है जो पन्ना प्रमुख बने हैं और नए जुड़े लोग जोड़ लिए हैं जो हमने, वो उनका जो है मैं आभार और अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मान के चले कि 2024 की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं इन कार्यक्रमों के लिए? नहीं, इस कार्यक्रम का यही है, अगर 2024 की तैयारी करें तो हमने जो कार्य किए हैं इस 4 साल के अंदर वही कार्य को हम रिफ्रेश कराया ताकि वो लोगों के साथ बता सकें, लोगों को अपनी याद दिला सकें, ऐसा ही जो है कार्यक्रम किया है।